नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं SBI रिटायरमेंट फंड NFO के बारे में। बहुत से लोगों को इसके बारे में मालूम होगा, बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको चैनल पसंद आता है, वीडियोस पसंद आते हैं, तो प्लीज़ जैसे मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं, दोस्तों आपसे भी मैं यही उम्मीद लगाता हूं कि आप भी मुझे मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ नीचे दिए गए लाइक बटन को भी प्रेस कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके अपने अच्छे गलत कमेंट जो भी करना चाहते हैं कीजिए, किस टॉपिक पर नया वीडियो चाहते हैं वो कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके चुनिंदा कमेंट्स में से जो बेस्ट कमेंट्स होंगे उनके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशंस टाइम पे आपको मिलते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड NFO कंप्लीट डिटेल एंड एनालिसिस करेंगे। जैन फेब मार्च का एक ऐसा टाइम होता है जब लोगों को इन्वेस्टमेंट की याद आती है बहुत ही जोरों से, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है इन्वेस्टमेंट डिटेल्स को सबमिट करना, और उसके बेसिस पे आपकी टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है। ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम पे मार्केट में नया NFO आया कि न्यू फंड ऑफर, जिसका नाम है SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड। क्या है ये NFO स्कीम में क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या आपको इस स्कीम से टैक्स बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो आपसे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत नहीं की है, अगर आप घर बैठे हैं, घर बैठ के पैसा कमाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको डीमैट और ट्रेडिंग की जरूरत पड़ती है। डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक दिए गए हैं, चाहे वो एंजल ब्रोकिंग का हो, अपस्टॉक्स का हो, ज़ीरोधा का हो, SMC के स्टॉक्स कार्ड का हो, IIFL का हो, LIS ब्लू का हो, या ग्रो का हो, जिस पे भी आप क्लिक करके अकाउंट खोलते हैं, तो आप मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन जाते हैं, जहां पे मैं अपने डेली इंट्राडे ट्रेडिंग की एनालिसिस आपसे शेयर करता हूं, अपने टिप्स एंड एडवाइजरी शेयर करता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पे अपनी एनालिसिस मैं आपसे जरूर दूंगा, आपको पसंद आए तो आप ले सकते हैं, नहीं तो नहीं। इस वीडियो में चलो देखते हैं कि SBI रिटायरमेंट का ये जो NFO है ये क्या है। NFO क्या होता है? NFO का मतलब है न्यू फंड ऑफर। कोई भी AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जब अपना नया स्कीम लॉन्च करती है उसको NFO कहा जाता है। ये IPO की तरह ही होता है, यानी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर जो AMC डिसाइड करेगी आपको NFO में इन्वेस्ट करना होगा। NFO इन्वेस्टमेंट विंडो खत्म होने के बाद आपको फर्स्ट AMC के फिक्स किए हुए विंडो में ही इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। NFO कोई कंपनी तब लाती है जब उसको या तो फंड्स की जरूरत होती है, या वो इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए, फिर कोई और एक्सपेंस करने के लिए। ये है NFO का पूरा फंडा। अब आते हैं SBI रिटायरमेंट फंड यानी SBRF के ऊपर में। SBRF है क्या? SBRF SBI का नया NFO है, जिसमें आप 3 फरवरी 2021 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। SBRF में इन्वेस्ट करने के लिए क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, ये देखते हैं। फर्स्ट है एग्रेसिव 80-100% इक्विटीज। सेकंड ऑप्शन है एग्रेसिव हाइब्रिड 65-80% इन इक्विटी। थर्ड है कंजर्वेटिव हाइब्रिड 10-40% इन इक्विटी। और चौथा है कंजर्वेटिव up to 20% इन इक्विटी। ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। हर एक ऑप्शन में आप गोल्ड ETF और फॉरेन सिक्योरिटीज दोनों में ही निवेश कर सकते हैं। फंड मैनेजर गौरव मेहता इक्विटी वाला पार्ट संभालेंगे और दिनेश आहूजा फिक्स इनकम वाला पार्ट संभालने वाले हैं। जैसे मेहता SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को भी संभाल रहे हैं। दोस्तों, जो लोग फॉरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनका फंड संभालने के लिए मोहित जी हैं। हर एक प्लान का इक्विटी पोर्टफोलियो एक कोर पोर्टफोलियो होगा जो ग्रोथ स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करने किया जाएगा। हर एक प्लान का इक्विटी पोर्टफोलियो का एक कोर पोर्टफोलियो होगा जो ग्रोथ इन्वेस्ट पर इन्वेस्ट करेगा। बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी के साथ इसका इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा, या ये इन्वेस्टमेंट 50% तक का होगा, बाकी बचा हुआ 50% अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ये कंपनीज को चूज किया जाएगा उनके बिजनेस परफॉर्मेंस के ऊपर में, एथिक्स के ऊपर में, मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर में, और जो फैक्टर्स हैं ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते, जो उनके इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए स्टॉक्स चूज किए जाएंगे। एग्रेसिव एंड हाइब्रिड एग्रेसिव फंड्स का AAA रेटिंग PSUs एंड 7 bonds में इन्वेस्ट किया जाएगा। AAA रेटेड का मतलब है कि इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे कि मूडीज एटसेट्रा ने जिन बॉन्ड्स को हाईएस्ट रेट किया है उनमें किया जाएगा। इसलिए क्योंकि ये हाई रिस्क प्लान है, इसलिए कंपनी चाहेगी कि सबसे अच्छे घोड़े के ऊपर ही पैसा लगाया जाए। कंजर्वेटिव हाइब्रिड और कंजर्वेटिव प्लान्स में non-AAA रेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। क्या इसमें खतरा ज्यादा होगा? बिल्कुल सही, मगर कंजर्वेटिव और हाइब्रिड कंजर्वेटिव प्लान्स जो हैं उसमें आपका इक्विटी पोर्टफोलियो का जो अमाउंट है वो कम होगा, इसलिए रिस्क भी कम है, यानी ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की अगर बात की जाए तो इस फंड के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स इतने क्लोजली लिंक हैं कि एक दूसरे के साथ में अगर अलग अलग बोले तो शायद समझ भी नहीं आएगा, और मुझे भी समझाने में कंपैरिजन करने में ज्यादा मजा नहीं आने वाला है। तो पहला पॉजिटिव ये है, अलग अलग रिस्क प्रोफाइल वाले इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग प्लान्स बनाए गए हैं। जो ज्यादा एजेड हैं उनके लिए कंजर्वेटिव,
और हाइब्रिड कंजर्वेटिव वाला प्लान वर्क करेगा। यंग इन्वेस्टर्स जो अभी इन्वेस्टमेंट और मनी ग्रोथ पे एम कर रहे हैं उनके लिए एग्रेसिव एंड हाइब्रिड एग्रेसिव प्लान्स बिल्कुल सही होंगे। लेकिन इसके साथ जो बहुत बड़ा नेगेटिव है वो है ATC के अंदर टैक्स बेनिफिट ना मिलना। जी हाँ, SBRF में आपको इमीडिएटली ATC के अंदर बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जो लोग सिर्फ टैक्स बचाने के लिए SBRF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है और इस वजह से SBRF को कुछ न कुछ हद तक परेशानी भी फेस करनी पड़ सकती है। 5 साल का लॉक इन पीरियड यंग इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि यंग इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न्स इंपॉर्टेंट होती है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको 3 साल के बाद लगा कि आप प्लान चेंज करना चाहते हैं, कंजर्वेटिव से शिफ्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी ये ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द प्लान्स इज पॉसिबल, लेकिन जितनी बार आप ट्रांसफर करेंगे उतनी बार आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। ये एक नेगेटिव पॉइंट बनकर उभर रहा है। फिलहाल SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड एक वर्सेटाइल एंड फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। आपको क्या लग रहा है इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको देता रहूं। दोस्तों, अंत में एक और इंपॉर्टेंट न्यूज, हम 6 और 7 को पुणे में मिल रहे हैं। एडवांस एनालिसिस कोर्स हमारा, जिसको हम ऑप्शन चेन मास्टर क्लास के नाम से जानते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं, अगर हम महाराष्ट्र में हैं, पुणे के आसपास में, तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज दिस टाइम वी आर डूइंग दिस क्लास विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ गैदरिंग। बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, छोटी गैदरिंग कर रहे हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन का मौका मिलेगा, कोई हिचकिचाट नहीं होगी। तो इफ यू वॉन्ट टू मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, रजिस्ट्रेशन ओपन है, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं पुणे में, और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए प्लीज चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।